प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। नई संसद के बारे में जानिए, इनमें 1224 लोगों की सिटिंग है। अब ऐसे में नए संसद भवन की उद्घाटन 28 मई को पीएम करेंगे। ऐसे में लोकसभा के 878 सांसदों की बैठने की पूर्ण रूप से व्यवस्था इस नई संसद में की गई है। इसके साथ ही राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की भी व्यवस्था है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि नए संसद भवन के बारे में पूरी जानकारी समझिए। मंत्रियों, सांसदों और उनका अलग कमरा होगा, यानी मंत्रियों और सांसदों के लिए अलग से कमरे तैयार किए गए हैं। संसद भवन में कमेटी हॉल भी होगा। एक कमेटी जिस तरीके से गठन की जाती है, तो उसमें संसद भवन में कमेटी हॉल भी तैयार किया गया है। इसमें संविधान कक्ष भी बनाया गया है। संविधान का कक्ष अलग से बनाया है नई संसद में। विशालनीय ये संसद, ऐसे में अतिरिक्त लाउंज, पुस्तकालय की भी सुविधा इस नई संसद में, लाउंज और पुस्तकालय की सुविधा दी गई है। कैंटीन की सुविधा भी इस संसद में उपलब्ध करवाई गई है।